नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आज हम आपसे अच्छी सेहत के बारे में बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। आप सोचेंगे कि अच्छे फिट से फिट लोग और जिनकी अच्छी खासी हेल्थ है, इम्यूनिटी है, उनको हार्ट अटैक कैसे आ जाता है, उनकी अकस्मात अचानक मौत कैसे हो जाती है। हार्ट प्रॉब्लम जो है ये किसी वार्निंग साइन के साथ नहीं आती। इवन जो लोग अपने 30s में हैं या अर्ली 40s में हैं, उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं और ये हार्ट प्रॉब्लम अनडिटेक्टेबल रह रही है कई जगह पे। सो क्या आप जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है? अनफॉर्चुनेटली कई सारी आपकी खाने पीने की आदतें, कई स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स जो आपके नशे की कोई आदतें, तंबाकू स्मोकिंग की आदतें, कई सारे हाई ब्लड प्रेशर, अनडाइग्नोज बीमारियां हार्ट अटैक का छुपा हुआ कारण, इवन आप जो मीठा खाते हैं, छुपे हुए कोई खाने के बाद कुछ मीठा खा लिया, कुछ अगर छुपे हुए उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऑयल्स हैं, बाहर का खाना है, कुछ ऐसे स्पाइसेस हैं, या बार बार उसी सेम कुकिंग ऑयल को यूज़ करना, डबल यूज़ करना, तले हुई चीज़ों को खाना, नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में, खासकर रेड मीट अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, इन सब से आपका बैड फैट इनटेक, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ट्रांस फैट्स का इनटेक बढ़ जाता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। हेल्थ एंड इम्यूनिटी के बारे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी कि इम्यून सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एक साथ हेल्प करते हैं आपकी बॉडी की टू फाइट इन्फेक्शंस और बीमारियां। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को डिफेंड कर सकता है अगर वो उस हार्मफुल सब्सटेंस को या बाहर आने फॉरेन बॉडी को, बैक्टीरिया को वो देखता है, उस चीज़ को जिस चीज़ से देखता है उसे हम कहते हैं एंटीजन। जब इम्यून सिस्टम रिकग्नाइज करता है कि कोई बाहर का एंटीजन आ गया तो उसे अटैक करता है, उसे हम इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब इम्यून रिस्पॉन्स है, हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं। हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपके शरीर के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो हार्ट के लिए ख़राब है, वो एक बड़ा फैक्टर है। साथ में बैड लाइफस्टाइल अपने आप में है, तो ये अपने आप में बुरी लाइफस्टाइल के साथ, हाई ब्लड प्रेशर के साथ, बुरी लाइफस्टाइल, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर के वजह से अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर होगा क्या? क्रोनिक इंटरनल इन्फ्लामेशन, ठीक है? दिस इज द बिग रीजन बिहाइंड हार्ट प्रॉब्लम एंड इट इज हार्ड टू मेजर बिकॉज रेयरली ये रेगुलर हेल्थ चेकअप में टेस्ट होता है, अनलेस एंड अंटिल आपको सिम्टम आते हैं। और इनटेक ऑफ बैड फैट इज जस्ट वन ऑफ द लीडिंग इंटरनल इन्फ्लामेशन कॉज, एक कॉज है उसका, बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल उसको कम करता है। सो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोएक्टिवली केयर कर सकते हैं आपकी हार्ट की, एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट, एक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिएंट रिच डाइट लेके, और देख सकते हैं आपके हार्ट को कि आपके हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स आपको मिले। जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ओमेगा 3, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, फाइबर है, फाइबर रिच फूड्स हैं, सो इन सबको मिले। इट इज़ वेल नोन कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर लाइक हेल्दी फैट्स, और ये हेल्दी फैट्स आप दे सीम टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स और प्रिवेंशन ऑफ इररेगुलर हार्ट रिदम्स भी करता है। हार्ट अटैक का प्रिवेंशन, कोलेस्ट्रॉल को कम करना, रेगुलर रिदम, इररेगुलर हार्ट रिदम, अरिथमियाज को प्रिवेंट करना, और इस चीज के लिए आप ओमेगा 3s के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक True basics heart omega 3, which is actually made up of krill oil. So this is sourced from Antarctica. और यहां पर इसके अंदर चार heart healthy ingredients हैं: omega 3, phospholipids, astaxanthins and choline. So ये चारों मिलके आपकी बॉडी के लिए, ये ओमेगा 3 जो क्रिल ऑयल से आता है, ये आपकी ना सिर्फ बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम करेगा, इट विल आल्सो इंक्रीज योर गुड कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स जो इसके अंदर है वो डबल कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ओमेगा 3 का आपके सिस्टम में, एस्थाजैंथिन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट दैट इज प्रूवन टू रिड्यूस इंटरनल इन्फ्लामेशन, और कोलीन जो है it is essential nutrient for muscle functioning and it is proven to reduce triglycerides by 33%.
एंड लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑल्सो. सो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं. अबव ऑल दिस इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज जस्ट अ हेल्थ सप्लीमेंट. ये कंप्लीटली सेफ है, ये आप ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. एक्ट नाउ फॉर अ हेल्दी हार्ट.